हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद ईमान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है पोटैटो चटनी बॉम्ब्स। इट इज़ बेसिकली अ स्नैक। यू कैन सर्व इट विथ योर टी एंड यू कैन सर्व इट ड्यूरिंग रमदान। आप रमज़ानों में इफ्तारी के वक्त इसे सर्व कर सकते हैं। टी पार्टीज़ के लिए आप अपने इस आइटम को रख सकते हैं। ये बनाने में बहुत सिंपल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास तीन इंग्रेडिएंट्स हैं इसको बनाने के लिए। एक तो चटनी है। अगर आपने मेरी चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाएं, आपको चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। ये बहुत यमी चटनी है। इससे सैंडविचेस भी बड़े मज़े के बनते हैं और समझ में इस चटनी के बने हुए सैंडविचेस बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज दे गिव लाइट सूदिंग इफ़ेक्ट। इसमें धनिया है, इसमें पुदीना है, इसमें ज़ीरा है, इसमें कोकोनट है। सो इट्स रियली अमेजिंग। आपकी टमी के लिए बहुत सूदिंग है। सो इसकी रेसिपी ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये तीन आलू हैं जिन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर दिया है और ठंडा कर लिया है। और इधर है मेरे पास कुछ मसाले, जिसमें है नमक, चिली फ्लेक्स, फिर मेरे पास है वाइट पेपर पाउडर और ये है मेरे पास आमचूर पाउडर। ये मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। ऑब्वियसली आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये मैश्ड पोटैटोज़ जो हैं, जिन्हें हमें बॉईल करके ठंडा करके रखा है, उसके अंदर हमें ये सारी मसाले जो हैं वो हमें मिलाने हैं। ध्यान रखिए कि आप जो मसाले डाल रहे हैं वो इतने डालें हल्का माइल्ड फ्लेवर हो, और आलूओं को बहुत ज़्यादा मसालों से कोट ना कीजिए। उसमें इतना मसाला ना हो कि वो एंड में और किसी चीज़ का जायका आना दे। आलूओं का जायका ख़ुद का भी आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें चटनी की फिलिंग करेंगे। ये मैंने मसाला जो है वो डाल दिया है, अपने आलूओं में मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से आलूओं में मिक्स हो गया है। फिर भी आलूओं का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, काला बिल्कुल नहीं हुआ। आप बहुत ज़्यादा बहुत सारे हर किस्म के मसाले डालेंगे तो ये काला भी हो जाता है और उसका अजीब फ्लेवर हो जाता है। एकदम ज़्यादा मसाले हर चीज़ में, हर किस्म की रेसिपी में वही सारे मसाले नहीं डालते हैं। हर रेसिपी का एक अलग प्रोसीजर होता है, अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको हमें उसी तरह फॉलो करना चाहिए। सो प्लीज़ कीप इट सिंपल। मसाले मैंने आपको बता दिए हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ ना डालिए, ना धनिया, ना ज़ीरा, ना प्याज, ना और हरी मिर्ची, कुछ भी नहीं डालना, बिकॉज़ ये सब कुछ इसी में पड़ा हुआ है। सो आपको बेसिक जो है वो चटनी और पोटैटो का फ्लेवर चाहिए पोटैटो चटनी बॉम्ब्स में। ये मैंने मैश करके तैयार कर दिया है, मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब हम दूसरी जाने बढ़े, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। काम ये है कि ये मेरे पास चने की का आटा है, कुछ मसाले हैं जो चने के आटे में जाएंगे, और हमने थोड़ा सा आटा चने का वो निकाल के अलग कर देना है, क्योंकि हमने हमारे ये जो बॉम्ब्स हैं उन्हें उसमें रोल भी करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव सम ऑफ द चने का आटा। दिस इज़ 1 कप ऑफ चने का आटा।
पास इतना काफ़ी है। ये मैं रिमूव करके दूसरी जानब रख रही हूँ जो हम बाद में यूज़ करेंगे। मैं डाल रही हूँ इसमें हम फ्लेवर देने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून ये जाएगा, ये है कुटा हुआ धनिया क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स हाफ टी स्पून ये जाएंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टी स्पून ये जाएगा, चिली फ्लेक्स 1/4 टी स्पून ये गए, एंड दिस इज़ जिंजर पाउडर ड्राई जिंजर पाउडर ये हाफ टी स्पून के करीब है ये गया। ये हमारे मसाले चले गए। इसके साथ आई हैव 1/4 टीस्पून ऑफ अजवाइन कैरम सीड्स, इसे मैं क्रश कर लूँगी अपने पाव में अच्छे से एंड देन आई लेट इट। ये सारे मसाले आप मिक्स कर लें अपने चने के आटे में। And make a smooth, not very thin batter, but not very thick as well. Medium batter बनाएं आप इससे, क्योंकि हमें कोट करना है। Ensure कि there are no lumps left when you are making the batter. The batter should be nice and smooth. ये इस वक्त बहुत थिक है, थोड़ा सा एक टेबल स्पून के करीब, और इसमें मैंने वाटर ऐड किया है। परफेक्ट। ये कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमें। हमारे दूसरे स्टेप की तरफ जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस पटेटो को लेना है, अपने हाथ अच्छे से धो लीजिएगा प्लीज़ धोए बगैर जी। और हमने अब क्या करना है, हमने पटेटो के बॉल्स बनाने हैं। मैंने ये छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, उसमें एक थंब से थोड़ा सा इम्प्रेशन देके एक डीप ये उसमें डीप डिप्रेशन बनाकर उसके अंदर आप चटनी भरें अपनी थोड़ी सी, और फिर इसे क्लोज कर दें यूँ। ये इस तरह आप पटेटो को अच्छे से क्लोज़ कर लें ताकि ये जो है चटनी हमारी फिलिंग है वो पटेटो के अंदर रहे और बाहर ना निकले।
और याद रहे कि आप जब बॉल्स बनाते हैं तो इस तरह बनाएं कि उसमें कोई क्रैक्स ना रहे, नहीं तो फ्राई होते वक्त खच्चा होता है कि वो सारा कुछ टूट जाए। इसी तरह ये देखें, ये मेरा बॉल तैयार हो गया। इसी तरह मैं एक दूसरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रफ क्राउन शेप दिया और फिर मैंने इसको यूँ तोड़ लिया, बीच में से एक डिप्रेशन सा बन गया, एक कटोरी जैसी बन गई बेसिकली। और उसमें फिर मैंने थोड़ी सी अपनी चटनी ली और वो डाल दी। चटनी डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसे बंद कर ली। यूँ बंद कर लें अच्छे से, यूँ ये बंद हो गया। इसको राउंड शेप दे दें अपनी बॉल्स की, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी सेंटर में फिलिंग करके जो शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जो राउंड शेप दे दें एंड इट्स रेडी। आई शो यू अनदर वन एज़ वेल कि किस तरह होगा। सिंपल चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। शुरू शुरू में लगती है डिफ़िकल्ट, जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करने जाते हैं तो हर चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है। ये यूँ बस चटनी का ख्याल रखें कि चटनी बहुत पतली ना हो, आपकी थिक हो। आइडियली एक दिन पहले बना कर रख लें फ्रिज में। यूँ और थोड़ी सी चटनी, ये थोड़ी चटनी ही एक्सप्लोड ऐसी होती है, इसीलिए तो इसका नाम पोटैटो पॉम्स है, क्योंकि फ्लेवर्स, बर्स्टफुल फ्लेवर्स आपके जब आप माउथ में इसके बाइट लेते हैं तो वो जब फ्लेवर्स बर्स्ट होते हैं मज़ा आ जाता है, फ्रेश एकदम। ये कर लिया, ये देखिए जी बॉल तैयार। चलिए जी, ये स्टेप तो हो गया, अब हमें क्या करना है। सिंपली हमें ये, मैंने सारे बॉल्स मेरे तैयार कर लिए हैं, मैं इसे रोल करूँगी अपने ड्राई चने के आटे में। इसे बहुत ज़्यादा नहीं कोट करना, हल्का हल्का सा बस कोट करना है, इससे एक्सेस जो है चने का आटा वो आप इसमें से निकाल लें। यूँ एक और बताती हूँ, ये देखिए जी, ये आपने रोल किया अपने बॉम्ब्स को या बॉल्स को, जो आप चाहें कह सकते हैं इसे, मगर खाने में एकदम डिलीशियस है। ये देखें, इस तरह डस्ट कर लिया और सेट असाइड। इसी तरह मैं अपने बाकी के बॉल्स भी कोट कर देती हूँ और फिर बताती हूँ आपको आगे का स्टेप। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे पोटैटो बॉम्ब्स कोट करके रेडी कर लिए हैं। ये है हमारा बैटर, बेसन का बैटर जो तैयार है, हमने इसे पहले ही घोल के रखा था, सो ये थोड़ी देर रेस्ट कर चुका है। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना है कि हमें इसे इस बैटर में डिप करना है और इसे फ्राई करना है। मैंने फ्राई करने के लिए अपना ऑयल ऑलरेडी स्टोव पे गरम करने रख दिया था, तो दूसरी जानब स्टोव पे ऑयल भी गरम हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं थोड़ा अपना कैमरा मूव करूँगी ताकि आप लोग देख सकें कि अब हम क्या करने लगे हैं। ये देखिए जी, मैं अब सिंपली ये करूँगी, मैं अपने
बॉल लूँगी वन आफ्टर द अदर, जैसे पहले कहा था, प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा हाथ आपके साफ़ हों, साफ़ हाथों से ही खाने की चीज़ों को पकड़ा करें। इनको अच्छे से डिप कीजिए बॉल्स को इस बैटर में, अच्छे से कोट कीजिए हर तरफ से, और फिर इसे यूँ डाल दीजिए। दूसरा दिखाती हूँ आपको, ओवरक्राउडेड नहीं करना हमें हमारा पैन, और एक वक्त में इतने ही डालेंगे जितने आप आसानी से हैंडल कर सकें। यूँ और आप इसे फर्स्ट फ्यू मिनट्स डालने के बाद, डिप करने के ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल चलाइए नहीं, चमचा नहीं लगना चाहिए इसको, नहीं तो ये टूट जाएंगे। आराम से इसे उठाइए, से डाल दीजिए। और इसे मीडियम स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे, पक जाएंगे। हालांकि हम बैटर तो सारा पका हुआ ही है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कच्ची हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। एक और डाल दूंगी मैं ये। और फिर आपने जब डाल दिया, उसके थोड़े टाइम बाद आप किसी चम्मच की मदद से इसे हिला लें। इसके ऊपर ऑयल थोड़ा स्प्लैश कर दें ताकि जो साइड फ्राई नहीं हुई है वो फटे ना जब आप इसे टर्न करें। ये देखिए, ये देखें, ये देखें, जब एक साइड हल्की गोल्डन हो जाए तब आप इसे पलट दें। ताकि ये हर तरह स्लो फ्लेम पे ही पकाइए। ये देखिए जी, मेरे पटेटो चटनी बॉम्ब्स बिल्कुल तैयार हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल देखें, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर, ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इनके ऊपर। ये मैंने सारे मेरे चटनी बॉम्ब्स तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप अपनी चाय के साथ सर्व कीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसे इंजॉय कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ काट के भी कि अंदर से कैसे लगते हैं। ये देखिए जी, मैं इसे गर्मा गर्म काट के दिखा रही हूँ आपको कि ये कैसे लगते हैं अंदर से। ये देखिए, गर्मा गर्म पटेटो चटनी बॉम्ब्स आपके तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपके पटेटो चटनी बॉम्ब्स कैसे बने हैं। जब तक मैं दोबारा हाज़िर होती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने के लिए, तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को खैर व आफियत से रखे, आपके घरों में रिस्क व बरकत रहे। एंड प्लीज़ वेयर अ मास्क, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।